सो ये है डीएसओ पार्ट 4। आप होपली पूरी सीरीज देख रहे होंगे, मैंने भी डीएसओ 1, 2, 3 डाला है और होपली आप वो पहले देखें उसके बाद डीएसओ 4 पार्ट में आए। और मैंने आपको अगर पूरा ही समझना है कि डीएसओ रीगल से प्रैक्टिकली और यूटीडी दोनों से, प्लस आपने अगर हैंडटेक का भी काम समझना है तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं जो कि नीचे लिंक पे दिया हुआ है सिर्फ डीएसओ का। और मैं ये चाहूंगा कि अगर परचेस कर ही रहे हैं तो फिर आप आईफोन का करना, क्योंकि उसमें आपको 8,000 रुपए के अंदर आईफोन प्लस डीएसओ और हैंडटेक तीनों मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बनाते जाता उसमें डालते जाता हूं। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन टिगर के बारे में करेंगे। व्हाट इज टिगर? सो टिगर को अगर हम नॉर्मल तरीके से समझाएं, टिगर क्या है, तो बेसिकली जो रोल होता है टिगर का, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई होने के बाद, जैसे हम एक ट्रिगर करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज अप्लाइड टू अ सिग्नल इनपुट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट अ स्पेसिफाइड डिवाइस फंक्शन। मतलब हम एक स्पेसिफाइड टाइम पर हम एक स्पेसिफाइड सिग्नल को देख सकते हैं, उसको कहते हैं टिगरिंग। नॉर्मल तरीके से बताएं, देखिए आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करके आपको अगर दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप नोटिस करेंगे आपको एक टी यहां पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो टी है ना ये टिगर का पॉइंट है। ठीक है, और जो आपको ऊपर जो टी दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ये जो टी है ना ये आपका बेसिकली टाइम का टी है। तो हमारे पास बेसिकली दो टी होते हैं, अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर हमारे पास दो टी होते हैं, एक होता है हमारा टाइम का टी जो कि टिगर होता है, और जो कि टाइम का टी होता है दूसरा होता है टिगर। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिगरिंग क्या होती है, टिगरिंग मतलब कोई भी एक मेजर डाटा के हमें डाटा पैक चेक करना है, हम चेक करना चाहते हैं कि डाटा कब आ रहा है और डाटा बेसिकली आ रहा है उसके अंदर क्या नॉइज है क्या नहीं है, या उसका राइजिंग क्या, उसका फॉल क्या है, कितने नैनो सेकंड में ये वो ऑन हो रहा है, सारी चीजें, तो उसको टिगर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम टिगर पे देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें टिगर करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। ये देखिए, एक फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रिक्वेंसी जनरेट की, पर अभी ये क्या है फ्रिक्वेंसी, मैंने इसकी जो डीएसओ की जो कपलिंग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी रहती है जनरेटर 1 kHz की, वो मैंने लगाई, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ पे वेव्स अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है। तो मैं दो तरीके कैलिब्रेशन है, एक सेल्फ और एक ऑटो, तो हर समय तो सेल्फ करना नहीं है, तो आपको पहले ऑटो ही पे क्लिक करना है, आपको इस तरीके से मैनुअली भी नहीं करना, तो फर्स्ट टाइम आप ऑटो कैलिब्रेशन इसको क्लिक करेंगे। ठीक, ये क्लिक करने के बाद में आप नोटिस कीजिएगा जो आपका टी है टिकर, वो आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है, जो आपका टी है टिकर वो आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है, और ये जो वेव्स है ना ये रुकी हुई दिखाई दे रही है, ये मतलब ये आपको पैकेट में यहाँ पर, ये आपको पैकेट में आपको दिखाई नहीं दे रही है और ये आपको रुकी हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं, थोड़ा सा आवाज कम करो यार, वीडियो बन रहा है पापा, ओपन वो वॉइस में। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आपको पल्स तो बन गई है और यहाँ पर टी है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके, मतलब सिर्फ ये जो वोल्टेज का डिवीजन है इसको थोड़ा कम कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा अप करेंगे, मिडिल में लाएंगे, और पूरे मिडिल में लाना तो ये सिर्फ बटन दबा देंगे। अब जो ये टी है, अगर ये जो यहाँ पे नोटिस करो, टिगर का जो आपको नोब है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ये तीन मोड में आपको दिखेगा, एक ऑटो, एक नॉर्मल और एक सिंगल। तो तीनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ तो देखो एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, आप थोड़ा सा नोटिस करना, अभी मैं इसको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ और मैं इसको बहुत डीप लेवल पे भी समझा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने बताया कि मैंने कोर्स में बहुत बेहतर डिजाइन किया, तो कोशिश करें वही कि वहीं पे देखें, बट यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए, ये जो टी है, ये टी को थोड़ा सा इस जो फ्रिक्वेंसी डाटा की लाइन है, अभी समझ सकते हैं जो पीक है इसका, इससे ऊपर अगर हम इसको ले जाएंगे तो आप नोटिस करो कि अब आपके जो वेव है वो कंप्लीट डाटा आपका चल रहा है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको आगे बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर आपको साइकिल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के अलग अलग साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है आपकी टिगरिंग। अभी टिगरिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टिगरिंग, उसको नीचे कर लेते हैं। टिगरिंग मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस यहां पर इतने, जैसे फॉर मुझे ये जो यहां पर मैंने अगर टिगर को सेट किया है तो मुझे इस स्पेसिफाई टाइम तक मुझे यहां पर कोई सिग्नल कैच करना है कि यहां तक कोई सिग्नल आता है तो कैच हो जाए, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर स्क्रीन को रोक देगा, एक स्क्रीनशॉट दे देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे मैं वो टिगर को देखिए नीचे लाऊंगा और वो टिगर को नीचे लाकर इस येलो लाइन पर जैसे टच होता है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, ये देखो वो पर्टिकुलर एक स्क्रीनशॉट दे दिया जिसमें मुझे बता दिया कि रोक कर कि भाई इतने जो एरिया में आपके जो पल्स है वो किस तरह से बन रहे हैं, आपका पीक बेसिकली कितना है, आपका राइज फॉल क्या नॉइज है, तो सारी चीज मुझे बता दिया इसमें। हम बेसिकली सबसे अच्छी बात है रीगल में आपको एक सिंगल का बटन मिलता है, सिंगल के बटन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो मैंने यहाँ पर सिंगल का बटन दबाया, ये सिंगल का बटन आप यहाँ से भी दबा सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे मोड से भी सिंगल कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल मोड है, ये ऑटो मोड है और ये सिंगल है। जैसे मैंने सिंगल का बटन यहाँ से दबाया और यहाँ पे देखिए सिंगल पे क्लिक हो गया। ठीक है, तो सिंगल पे जैसे क्लिक हो गया, अब क्या होगा कि जैसे ही कोई डाटा आता है और मेरा जो टिगर लेवल है, जो मेरा टिगर लेवल है वो यहाँ तक मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, और मैं अपने वोल्टेज को सेट करके रखता हूँ और जो मेरा टिगर लेवल है वो यहाँ तक रखता हूँ, बराबर। अब जैसे मैं इसमें कोई सिग्नल दूंगा, नोटिस करना, ये देखिए, तो जैसे मैंने एक सिग्नल दिया और सिग्नल देके मैंने छोड़ दिया, तो ये एक पॉइंट पे जाके टिगर हो गया। उसने बताया कि सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर लो मिल रहा है, एकदम से वो हाई गया, फिर उसने कुछ ड्यूटी साइकिल बनाकर अपना फिर से राइज होकर फिर नीचे गया, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। अब आप नोटिस करना,
ये देखिए, तो ये इसका सिग्नल है। पर आप नोटिस करेंगे कि जो जो पैक है, जो डाटा पैक है वो बहुत कम आए, हो सकता है कि इसमें हमारा पूरा डाटा ना आए, हो सकता है कि हमें इसके ऊपर भी समझना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको है ना जो टाइम डिवीजन उसको थोड़ा छोटा करेंगे इस तरीके से, और उसको फिर से सिग्नल देंगे। तो फिर से सिग्नल किस तरह से, सिग्नल का बटन दबाएंगे और फिर से ट्रिगर करेंगे, तो इस बार डाटा पैक ज्यादा आएंगे। ये देखो, तो अब नोटिस करो, अब फिर से रुक गया, अब डाटा पैक ज्यादा है। अब इसको हम खोल के देख सकते हैं कि देखो इस तरीके से, यहां से ये इतने सेकंड में ये मेरा ऑन हो रहा है, इस तरह से मुझे नॉइज मिल रही है, और तब जाकर मेरे को यहां पर फिर आगे चीजें दिखाई दे रही है, जिसको हम यहां पे राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, बराबर। तो पर अभी भी देखिए मेरा डाटा पैक इतने आए, खाली मैं चाहूं तो इन डाटा पैक को और राइज कर बढ़ा सकता हूं इस तरह से। फिर से एक बार इसको यहां पर सिंगल का बटन दबाऊंगा, अब टच करूंगा, अब नोटिस करो, तो अब जो मेरा डाटा पैक है पहले से ज्यादा आया है, और इसको मैं क्लियरली तौर पे एक तरह से देख सकता हूँ, जिसको मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली टिगर कुछ इसी तरह का होता है। और भी अगर आपको चीजें को समझना है तो आप नीचे के कोर्स पर परचेस कर सकते हैं। ये आपका था पार्ट फोर, पार्ट फोर में इतना ही। अब हम बात करेंगे पार्ट फाइव में, जिसमें मैं कुछ वोल्टेज की बात करूंगा, और ये ब्लॉकेज क्या होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज क्या होते हैं उसकी बात करूंगा। पार्ट सिक्स हम बनाएंगे इसके मेजरमेंट को लेकर, ठीक है। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।